मोहित तेरे को पता है डॉन को ढूंढना आसान है बट ये पार्ले जी डाक को ढूंढना कितना डिफिकल्ट है, यू कांट इवन इमेजिन। हाँ मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, लाइक मतलब बीच में आया था कुछ ऐसे पोस्ट में लेकिन कहाँ दिख ही नहीं रहा था शॉप्स में। बहुत लोगों को लग रहा था कि यार ये फेक प्रोडक्ट है, किसी ने फोटोशॉप करके डाल दिया। लास्ट मंथ थोड़ा सा वायरल हुआ था इंस्टा पे एंड आई वॉज क्वाइट क्यूरियस अबाउट इट कि यार अगर ये रियल है तो ये तो ढूंढना पड़ेगा और ट्राई करना पड़ेगा और आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर करना पड़ेगा। तो फिर लिटरली मैं ट्रेजर हंट की तरह ढूंढने लगा इसको, ऐसे बहुत सारे वीरे शॉप में जाके ढूंढा कि भाई आपके पास डार्क पार्ले जी है क्या। पहले तो समझाना पड़ता था भाई डार्क पार्ले जी क्या होता है, पार्ले जी होता है। और मिला किधर? रेलवे स्टेशन पे। तो भाई मैंने तो उठा लिया, खाली मैंने ये नहीं उठाया, मैंने इसके साथ है ना इनका पार्ले जी रॉयल करके एक नया प्रोडक्ट आया है वो भी उठाया है और एक और स्पेशल प्रोडक्ट है किसमी और एक हमारा सादा वाला रेगुलर सबसे बेस्ट अभी तक का, आगे का पता नहीं। हाँ सो आज की वीडियो में ना हम ये चारों प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे, रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे यार कि ओजी इज द बेस्ट, कि देयर इज अ न्यू किंग इन द मार्केट। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट किससे स्टार्ट करेंगे? पहले हमारे बेसिक वाले से, द ओजी वन। द ओजी वन से, ओजी वन का एक्चुअली कंपैरिजन एक काम करते हैं, ये रॉयल के साथ ओजी का कंपैरिजन करते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। तो बाय द वे 10 रुपए का पैकेट है, ठीक है, और ये 5 रुपए का। तो हम लोग ने पहले जब वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबके इंग्रेडिएंट्स वगैरह देख रहे थे, तो हमको इन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क दिखा नहीं, ऐसे लग रहा है कि सिर्फ साइज का फर्क है या कुछ पैकेजिंग का डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस पता नहीं चल रहा था लेबल के हिसाब से। तो फिर बोला ये तो टेस्ट करके ही पता चलेगा कि आखिर इनमें कुछ डिफरेंस है भी कि नहीं है, इसे रॉयल नाम का पता दिया है। हाँ, और पैसा ले लिया डबल। एक डिफरेंस तो मुझे पता चल गया, जो कि है साइज का, साइज और थिकनेस। हाँ सो ये डिफरेंस है, ये देखो भाई ये तो एकदम पतला सा पेपर है इसके सामने। ओके, देयर इज अ डिफरेंस इन द लुक्स, ठीक है, कि मतलब इसका साइज देखो यार, ये तो पूरा और हैवी भी है ये, बाप रे, मतलब एग्जैगरेट नहीं कर रहे बट एक्चुअली हैवी है। अभी आप आमने सामने से कंपेयर करोगे, ये देखो ये कितना है और ये कितना है। पुराने जमाने जैसा रॉयल फैमिली को सब मेजोरिटी मिल जाता था, सारे लोग की हालत ऐसी होती थी, बाप रे। ठीक है, तो अभी काम करते टेस्ट टेस्ट करके देखते है। ओ यार नॉर्मली जो क्रंच हमेशा रहता है, वन बाइट फॉर यू वन बाइट फॉर मी। अब ये लो, चलो टेस्ट करके देखते हैं। पहले हम ओजी वाले से करेंगे। एनी टाइम बेस्ट, एक्चुअली बेस्ट। अभी रॉयल वाले को देखते हैं कितना रॉयल्टी भरा पड़ा इसके अंदर। थिकनेस फील हो रहा है एकदम, थिकनेस क्रंचीनेस भी थोड़ी ज्यादा फील हो रही है बिकॉज ज्यादा मोटा है। बट टेस्ट वाइज सेम है, ये एक ही चीज है, खाली साइज डिफरेंस, साइज डिफरेंस है और कुछ फर्क नहीं है दोनों में। एक एक बस थोड़ा माल न्यूट्रिशन डे और एक को खिला पिला के बड़ा किया गया है। दैट इट, देयर इज नो डिफरेंस। मतलब ऐसा प्लेट प्लेट में सजाने के लिए ज्यादा बेटर है। हाँ। ऐसे लगता नहीं है कि यूजुअली जिसको हम ऐसे बोलना नहीं चाहिए जिसको हम डॉग बिस्किट बोलते हैं वो ऐसा नहीं है। हाँ, ये डॉग बिस्किट नहीं लग रहा है। हाँ। ये अच्छा लग रहा है, अच्छा बोल रहा है। दिस नाइस, मस्त है, अच्छा है। लुक वाइज भी अच्छा है और टेस्ट वाइज तो दोनों सेम ही है। तो बाकी सब जो भी टेस्ट किसको हम कितना रेट करें वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है, पहले खा लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा? किसमी। नेक्स्ट हम लेंगे किसमी। इसका प्राइसिंग है 10 रुपए, नहीं 10 से 15। कैलोरीज वाइज सब सेम ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। कितना है इसका? 100 ग्राम में 475, ऑलमोस्ट वही 450, ऑलमोस्ट वही है। इसमें 454 है, इसमें 469 है। हाँ, और इसमें 475, ज्यादा फर्क नहीं है। और इसमें क्या एक मतलब इन्होंने मेंशन किया है किसमी दाल चीनी सिनेमन फ्लेवर, तो अभी ये कुछ अलग ही फ्लेवर है, पता नहीं। तुझे पता है ये सिनेमन फ्लेवर किसमें एक बार था, अपन ने बिस्किट का रिव्यू किया था, विस्कॉफ। हाँ। तो क्या लगता है ये विस्कॉफ को टक्कर दे पाएगा? बहुत ज्यादा हो गया। अरे मोहित यार। हाँ। खुला खुला खुला। तो लुक्स वाइज ऐसे जब देखा जाए तो सेम ही लग रहा है, ऑलमोस्ट सेम यार, खाली थोड़ा थोड़ा डार्क कलर है।
मतलब ऐसे लग रहा है कि वो थोड़ा लाइट, उसके बाद ये डार्क, अभी एक और डार्क आने वाला है, वो कितना डार्क है हमको पता नहीं। कंपेयर कर ही दे क्या एक ही टाइम पे? चलो खोलो, है ना, पता चल जाएगा। फाइनली दिस इज द टाइम। टडम टडम। ओह एक्चुअली डार्क है यार, मैं बोल रहा हूँ इधर रेसिज्म चालू है। जस्ट अरे बाप रे, लुक एट दिस कलर डिफरेंस, बहुत बहुत ज्यादा डार्क है यार। ऐसे लग रहा है कि ये अंग्रेज की औलाद, ये इंडियन की औलाद। दैट वुड बी वेरी रेसिस्ट कलर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेग्रेंस, इसमें सिनेमन वाला फ्लेवर आ रहा है यूजुअली, ये चॉकलेट का आ रहा है फुल फ्लेवर। और पता है ये किसकी मुझे याद दिला रहा है? एक पार्ले मैजिक आता था, अच्छा हाँ, उसकी सेम फ्रेग्रेंस थी। अभी टेस्ट में पता नहीं कैसा है। इतना याद है भाई, मेरा फेवरेट था वो। अच्छा। 5 रुपए का पैकेट आता था, एक कैशू आता था मैजिक, और एक चॉकलेट आता था, चॉकलेट वाला मेरा फेवरेट था। चलो पहले अपन सिनेमन वाला ही ट्राई करते हैं। गुड, मैं बोला सिनेमन आपने मेंशन किया तो फिर बिस्कॉफ वाला फीलिंग थोड़ा बहुत आया है, इतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आया है। नहीं बट सिनेमन का फ्लेवर आया उठ गया। दिस इज गुड। एक्चुअली मैंने सिर्फ आज तक सिर्फ ये वाला पार्ले जी ट्राई किया है, ना मैंने किसमी ट्राई किया है, ना मैंने गोल्ड रॉयल ट्राई किया है, और डार्क तो आज ही कर रहा हूँ। चलो टाइम है। एक्चुअली ना तो टेस्ट अच्छा है, लेकिन मिल्क के साथ अगर हम खाएंगे तो बहुत एनहांस हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो अभी हमारा मिल्क नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो नहीं हम वो भी टेस्ट करके बता देते थे। भाई बढ़िया है ये तो, अच्छा है, मतलब पार्ले जी लीजिए, वेल डन। काफी इम्प्रूवमेंट है, ऐसे नहीं बोलो कि लाइक ये अपने कैटेगरी में इज गुड, ये अपने कैटेगरी में इज गुड। लाइक सब किसी को सपोज वैसा पसंद है कि नॉर्मल बिस्किट चाहिए तो दिस इज गुड, ओजी इज ओजी, ओजी इज ओजी, ओजी इज ओजी। लेकिन जो बच्चे लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा चॉकलेटी चॉकलेट वगैरह का खाने का दिल होता है वगैरह, और कभी उनको ये, खाली बच्चों को नहीं बड़ों को भी चॉकलेट पसंद, हम बच्चों से कम है क्या? ओके सो जितने भी प्रोडक्ट ट्राई किए ना एक्चुअली अच्छे निकले, एंड आई मस्ट से ये हमारी वन ऑफ द सबसे सस्ता प्रोडक्शन वैल्यू रहेगा वीडियो का, ठीक है, बट वी आर क्वाइट हैप्पी विद द प्रोडक्ट। मतलब कितना खर्चा हुआ यार इस वीडियो में, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 5 रुपए 5 रुपए 35 रुपीज के प्रोडक्ट का वीडियो बन रहा है, बट ऑल प्रोडक्ट वर टॉप नॉच। चलो अभी रेटिंग देते, रेटिंग देखो, एक्चुअली पता नहीं इसलिए अनफेयर भी हो जाएगा कि सब अपने अपने कैटेगरी में बेस्ट, थोड़े बहुत बेस्ट ही है। एक्चुअली ये सब प्रोडक्ट को रेट नहीं कर सकते, सो व्हाट वी रेकमेंड कि अगर आपको मिले ना ट्राई करके देखो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। आई हाईली रेकमेंड इस चॉकलेट वाला, किसमी वाला बहुत अच्छा है। ये तो ओरिजिनल वाले का ही कहते हैं ना बिगर वर्जन, ठीक वर्जन है, तो इसमें देयर इज नो डिफरेंस, खाली लुक का डिफरेंस है। But I highly recommend this product, even the kiss me. Yeah. तेरा भी same कहना? Same same. Like एक बार तो try करना बनता ही है, और जरूरी नहीं कि आप एक बार खाके रुक जाओगे. It is very good. Yeah, it's good and quite economical. Yes. ठीक है. So I hope you find this video useful. ऐसे ही कुछ interesting products आपको भी पता रहेगा तो हमें comment section में बताना, और ये भी बताना कि आपके location पे क्या ये dark palette available है इतना easily? कि जो मैंने इतनी स्ट्रगल की है, पता चला आपके इधर हर कॉर्नर कॉर्नर में नुक्कड़ में मिल रहा है और हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी नो अबाउट दैट आल्सो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दिस इज अंकित साइनिंग ऑफ, दिस इज मोहित साइनिंग ऑफ, सी या।